हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ईद ज़हरा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक्चुअली आज हम लोग आए हैं शॉपिंग पे, कल तो हम लोग जुलूस वगैरह और मजलिस वगैरह पे थे, तो इसलिए हम लोग ने शॉपिंग वगैरह नहीं की थी। और हम हमेशा 8वें रवल को शॉपिंग नहीं करते, हम 9वें रवल को करते हैं। तो आज हम शॉपिंग पे भी आए थे और डिनर भी फिर हम लोगों ने किया था। तो आज भाई खूब हंसो, क्योंकि आज मौला सज्जाद मुस्कुराए थे। जलने वालों को खुदकुशी मुबारक हो, हमारी खुशी में जिसे मौत आए उसे खुदकुशी मुबारक हो। और कल है हमारे नबी और हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम की शादी, तो वो भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ईद ज़हरा एक तरफ है और ज़माना एक तरफ, यानी दुनिया एक तरफ है और ये घराना एक तरफ। एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हशर तक की हर खुशी, सैयद सज्जाद मेरा तेरा मुस्कुराना एक तरफ। ये मुझे शेर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और भाई शॉपिंग के बाद तो आपको पता है बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, और आसिम फरवा भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। खाते पीते तो वो लोग कुछ नहीं है, खैर एंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हो रहा था बहुत ज़्यादा रश, और वैसे भी 12वें रवल भी करीब है और मार्केटों में भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि सब शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। और वो भी ईद जैसा ही समा होता है 12वें रवल को, और बहुत अच्छा लगता है। रोडों पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लाइटिंग होती है, तो वो भी हम लोग देख कर आए थे। खैर इंशाल्लाह अगर मैं 11 को गई तो वहाँ की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने, बच्चों को छोड़ दिया था घर पर क्योंकि आसिम फरवा को हो रहा है फ़ीवर। और आपको पता है आजकल तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फीवर्स हो रहे हैं क्योंकि वायरस चल रहा है फ़ीवर का, तो इसलिए मैंने कहा भाई थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। और यहाँ मेरी आइसक्रीम हो रही थी मेल्ट, मैंने कहा इससे पहले मेल्ट हो जाए मैं बनाती हूँ वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। इतने दिनों बाद मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुहर्रम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और वीडियो वगैरह मैं नहीं बना रही थी, मुश्किल से एक दो वीडियो ही मैंने बनाई थी। और बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।